हेलो एवरीवन, वेलकम यू डीएसएस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल। फर्स्ट ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। नाउ वी कैन से दैट दो सेल विच हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। इन गैल्वेनिक सेल कैथोड्स और पॉजिटिव्स वेयर एज एनोड्स और नेगेटिव। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन साइड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स सेल्फ अकरिंग रिएक्शंस। देन द थर्ड स्टेटमेंट इज द एनर्जी जनरेटेड बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। तो लेट्स अगर हम बात करें यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो हम करते क्या है, ध्यान देना, हम दो कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। ध्यान देना, किसी भी मेटल साल्ट का हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, और उसके अंदर हम उसी के मेटल के रॉड को क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे क्या किए हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिए हैं, ध्यान देना, और इस एक्वा सोल्यूशन के अंदर हम क्या किए हैं, कॉपर के रॉड को हमने डिप कर दिया है। ये कॉपर हमारा क्या है, सॉलिड है, ध्यान देना। अब जाहिर सी बात है कि कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, जो कि अगर उसको एक्वा सोल्यूशन उसका हम बनाएंगे तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ और SO4 2- के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड अगर हम बात करें, एक और कंटेनर लिए, इसके अंदर हमने मान लो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, ध्यान देना, और इसी के मेटल को यानी जिंक के मेटल को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डिप कर दिया। इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे तैयार हो गए। अब ध्यान देना, अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देना, एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक क्या करते हैं, वायर लगाते हैं विथ वोल्ट मीटर। तो हम यहां पे क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल सर्किट को वायर हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब ध्यान देना होता क्या है कि अगर हम बात करें एनोड की, तो एक चीज समझिए कि जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, जिंक और कॉपर का हमने सेल बनाया है। तो अगर जिंक और कॉपर का हम सेल बना रहे हैं, ध्यान देना है, हमने लिख दिया है कि जिंक और कॉपर का अगर हम सेल बना रहे हैं, तो ध्यान देना, एक स्टेटमेंट हम लोग प्रीवियस ईयर के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड्स। एंड इन केस ऑफ जिंक एंड कॉपर, एज वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजिली लूज कर देगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाएंगे उसका आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑक्सीडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो ध्यान देना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक का हमारा क्या बन जाएगा, एनोड, और कॉपर का हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें जिंक जो हमारा एनोड है, यहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो ध्यान देना, अगर कौन सा रिएक्शन अगर यहां पे होगा, तो हम कहें कि एट एनोड अब यहां पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड पे क्या होगा, ध्यान देना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो जो जिंक हमारा रॉड होगा ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ध्यान देना, Zn2+ एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से टू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहां पे ध्यान देना, ये जो हमारा जिंक रॉड है ये कंटिन्यूअस डिग्रेड होगा, यहां से देखिए ये Zn2+ में
डिसोसिएट हो रहा है और टू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लगातार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत सारे राउंड कर लेंगे इसको, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड किस क्या कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कैथोड के साइड, तो कैथोड हमारा जो होता है कॉपर का होता है, यहां पे ध्यान देना रिडक्शन होता है, तो यहां पे रिएक्शन अगर हम लिखे सेल रिएक्शन एट कैथोड, तो हमारा जो Cu2+ है एक्वस, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब चूंकि ध्यान देना जो हमारा एनोड है यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे एनोड टू कैथोड, और जो इलेक्ट्रॉन वापस से ध्यान देना अब ये कॉपर देखेगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ध्यान देना ये Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके और क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट होने लगेगा। ध्यान देना तो यहाँ पे ये Cu2+ आपका जो है दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये वापस से Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन में, तो अब ध्यान देना ये तो हमारे एक्सटर्नल सर्किट की बात रही, इसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट करते हैं, और इंटरनल सर्किट हम जो कंप्लीट करते हैं उसमें हम क्या बनाते हैं, साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ध्यान देना साल्ट ब्रिज हमारा यू शेप का ट्यूब होता है, ठीक है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को एड करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया। इस तरह से ध्यान देना एक्सटर्नल सर्किट हमारा जो होता है वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है विथ वोल्ट मीटर, और हमारा जो इंटरनल सर्किट होता है वो ध्यान देना ये सेल और प्लस आपका साल्ट ब्रिज, ये हमारे क्या होते हैं इंटरनल सर्किट। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब हम बात करें अगर साल्ट ब्रिज के बारे में, नाउ आई विल टॉक अबाउट साल्ट ब्रिज, नाउ वी टॉक अबाउट साल्ट ब्रिज, देन साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ जेल टाइप मिक्सचर। ओके, जेल टाइप मिक्सचर इज यूजुअली फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ अगर इन विथ अलोंग विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 और NH4Cl। बेसिकली अगर प्रोवाइड अ सेमी सॉलिड मीडियम। ओके, तो अगर हम बात करें ध्यान देना हमारा जो साल्ट ब्रिज होता है ये यू शेप का होता है, वो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आपका भरा होता है विथ अलोंग विथ अगर का काम क्या होता है, अगर सेमी सॉलिड मीडियम प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपने लिखा है कि साल्ट ब्रिज यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन फॉर्म ऑफ जेल टाइप मिक्सचर। तो जेल टाइप मिक्सचर जो है ध्यान देना ये किसकी वजह से होता है, अगर का वजह से होता है, अगर एक एलगी होता है, ठीक है ना, जिसका यूज हम यहाँ पे जेल टाइप मिक्सर बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखे ध्यान देना, यहाँ पे लिखे ना अगर प्लस KCl, और यहाँ पे टिप पे हम क्या करते हैं कॉटन उल को हम क्या करते हैं प्लग कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, देन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। पहला फंक्शन इसका हो गया कि इंटरनल सर्किट को क्या करता है, ये कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल। सेकंड इज इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। बच्चों ध्यान दो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सोल्यूशन के अंदर लगातार क्या हो रहा है Zn2+ यानी पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं, और यहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है ध्यान देना यहां पे पॉजिटिव आयन्स लगातार क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं SO4- यानी नेगेटिव आयन्स यहां पे क्या होंगे इंक्रीज करेंगे।
तो अब ध्यान देना कुछ समय के बाद क्या होगा, चूंकि ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से ध्यान देना सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद क्या हो सकता है, आपका जो करंट का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ध्यान देना हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। इसके अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जेलिक मिक्सचर के फॉर्म में, वो क्या करता है, ध्यान देना, प्रोवाइड कराता है अपोजिट आयन। जैसे मान लो हमारे पास KCl है, ये K प्लस और Cl माइनस है, तो ध्यान देना अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान देना Cl माइनस को यानी निगेटिव चार्ज को प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा, और इधर अगर निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है इधर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड कराएगा और न्यूट्रलिटी क्या करेगा, मेंटेन कर सकता है, करता है। तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट जो लिखते हैं, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटिवली चार्ज आयन। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट द टू इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग, यानी कि ये ध्यान देना दोनों, ध्यान देना ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मिक्सर को आपस में मिक्स होने से भी रोकता है, ठीक है ना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों लेते हैं, व्हाई वी यूज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द साल्ट ब्रिज, तो उसके पीछे वजह होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वे इस सॉल्यूशन के साथ, यानी इस आपका जो साल्ट सॉल्यूशन है इसके साथ जाके किसी भी तरह का सेल में कोई अपना रिएक्शन नहीं करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, जो नेट सेल रिएक्शन है, वो इफेक्टेड हो जाती है। तो जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, एंड नॉन रिएक्टिव नेचर होने की वजह से ये सेल के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकंड, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनके जो कैटायन और एनायन होते हैं, जैसे मान लो हम अगर बात करें के प्लस प्लस के एनओ थ्री माइनस, ये जो कैटायन है ये जो एनायन है इनका साइज भी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, और साइज सेम होगा तो मोबिलिटी यानी स्पीड भी सेम होगी। देखो साइज सेम होना चाहिए और मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो इक्वली, एक अगर इसमें आ रहा है नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट तो इसमें जाना चाहिए नेगेटिव पार्ट, सेम टाइम पे आना चाहिए, एक कैटायन इसके अंदर आ रहा है तो एक एनायन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन रिएक्टिव इन नेचर, एंड The size of cation and anion of inert electrolyte should be identical, same. That's why we use inert electrolyte inside the salt bridge. Now we talk about cell reaction. Then cell reaction की अगर हम बात करें तो अगर हम कहें कि at anode, यानी ये होता है आपका oxidation हाफ रिएक्शन, एनोड पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Zn, जो जिंक सॉलिड है ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एंड एट कैथोड, कैथोड इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहां पे क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन होगा यानी Cu2 प्लस जो एक्वस है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड के अंदर। ध्यान देना अगर नेट रिएक्शन की हम बात करें तो अगर दोनों हम रिएक्शन को ऐड कर देंगे, यहां से टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हमेशा ध्यान देना चेंज इन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होने चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अंदर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस ये Zn2 प्लस एक्वस एंड Cu सॉलिड, ये हमारा नेट रिएक्शन हो गया। अगर हम सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसी सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम ऐसे करते हैं, जैसे जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं Zn सॉलिड टू Zn2 प्लस एक्वस। ध्यान देना ये जिंक क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है ना। साल्ट ब्रिज जो है उसको हम दो लाइनों से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इधर लिखते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब ध्यान देना रिडक्शन में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में, यानी Cu2 प्लस एक्वस जो है Cu सॉलिड में, ये आपका हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन,
ऑफ सेल। नाउ वी डिस्कस आवर न्यू टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देन व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम सेल रिएक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं। ध्यान देना कि अगर हम बात करें एनोड पे, एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? ध्यान देना, ये जो हमारा जिंक रॉड है ये कंटिन्यू क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है, ये टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है किसमें? Zn2+ में। और यहां से इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाकर डिपोजिट हो रहा है? इस इलेक्ट्रोड जिंक रॉड के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो अब ध्यान देना, जिंक, ध्यान देना आपका रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो ध्यान दे रहा है, जब चार्ज डिफरेंस होगा तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली ध्यान देना, सिमिलरली अगर इधर हम बात करें किसके केस में, कैथोड के केस में, तो कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब ध्यान देना, जब ध्यान दो कि इधर से जब देखेगा कि ये एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये सीयू टू प्लस क्या हो जाएगा, क्या करेगा, ये किसकी तरफ भागेगा? इस कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। और ध्यान देना, कॉपर रॉड पे जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्युमुलेट होगा तो ध्यान देना, इस सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? निगेटिव आयंस बढ़ेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा इसके कंपेयर सोल्यूशन के कंपेरिजन में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या हो रहा है? इंटरफेस हो रहा है। देन वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान देना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच में, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इसके बीच में जो, ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, टू टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल का कौन सा है? ध्यान देना, कैथोड वाले केस पे हो रहा है। ध्यान देना, कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ध्यान देना, जो कैथोडिक सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। और ध्यान देना, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, यानी जो एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे हमने एनोड लिखा हुआ। अब एक टर्म आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो बच्चों ध्यान देना, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा आ रहा है वो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है तो हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा? तो ध्यान देना, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ध्यान देना, जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। ध्यान देना, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। और ध्यान देना, जो रिएक्शन हो रहा है, जो सेल का रिएक्शन हो रहा है वो कितने पे होना चाहिए? 298 केल्विन टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होता है, और ध्यान देना, उसके बाद जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोलाइट हैव 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस टर्म में ध्यान देना, हम इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब, यहां भी ध्यान देना, हमने जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर रखा है और जो टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। और रिडक्शन साइड में भी अगर हमने कंसंट्रेशन कितना रख दिया 1 मोलर और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, तो हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान देना, हाल ही में IUPAC ने सजेस्ट किया है कि ध्यान देना, जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोथ आर ऑलमोस्ट सेम टर्म्स। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।